करेंगे बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन ऑफ फैशनेबल भी होंगे पार्टी वियर और सिंपल ऑफिस भी है सारा कलेक्शन आपको मिल जाएगा आई एम डैम श्योर की आपको कलेक्शन बहुत ज्यादा पसंद आएगा बिकॉज कलेक्शन बहुत अमेजिंग है तो इस वीडियो को मिस मत करना और एंड तक वीडियो देखना फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हो बट वीडियो को मिस मत करना So let's start the video. वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्रिटी इयरिंग से ये है टू इन वन राइम स्टोन ईयरिंग इसमें आप इसको स्टर्ट की तरह भी पहन सकते हो और जो पीछे बॉल दी हुई है इसको भी प्लग कर सकते हो ये बहुत ही अमेजिंग लगता है पहनने के बाद एंड ये शो टॉपर की तरह वर्क करता है आप इसको किसी भी शाइनी ड्रेस के संग ये सिंपल के संग नहीं जाएगा यू कैन स्टाइल विथ हम शाइनी क्लोथ्स जब शाइनी साड़ीज होती हैं ड्रेसिस होती हैं आप उनके संग इसको पहन सकते हो और ऑब्वियसली पार्टी व्ययर है तो पार्टी में पार्टीज में ही ज़्यादा वर्क करेगा नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी सिंपल में है स्टर्ट ईयरिंग है पर्ल में पर्ल स्टर्ट्स तो बहुत ज़्यादा कॉमन है और मतलब बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है और हमेशा ही ट्रेंड में रहते हैं बिकॉज इसके ये सबके संग अच्छे लगते हैं तो इट लुक्स एलिगेंट एंड सिंपल विद एवरी आउटफिट नेक्स्ट हमारे पास है क्लिप ऑन पर्ल स्टर्ट क्लिप ऑन पर्ल टर्ट आपको कलर्स मिल जाएंगे ये हमेशा ट्रेंड में रहते हैं और हमेशा ही स्टाइलिश लगते हैं विद ऑल द आउटफिट्स क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा वेयर करती हूँ तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगते हैं साइज़ेज़ हमारे पास अवेलेबल है ट्वेंट ट्वेंटी एंड थर्टी एम एम आपको थ्री साइजेज मिल जाएंगे एंड कलर्स भी अवेलेबल हैं नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी डबल टू इन वन में है बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है आपको हर जगह नहीं मिलेगी एंड अगेन ये भी आप स्टर्ट की तरह पहन सकते हो एंड इसका जो बॉल है वो प्लग कर सकते हो इफ़ यू वांट टू प्लग अगर आपको थोड़ा स्टाइलिश दिखना है थोड़ा यूनिक दिखना है तो यू कैन स्टाइल बोथ टुगेदर नेक्स्ट मैं आपको अगेन टू इन वन में दिखाऊंगी इसमें हमारे पास कलर्स अवेलेबल है ब्लैक मिल जाएगा रेड मिल जाएगा और मे बी आपको मोर कलर्स इसमें मिल जाएंगे ये सिंपल सा है आप इसको वेस्टर्न आउटफिट के संग स्टाइल कर सकते हो यू लुक सिंपल एंड एलिगेंट दिस पेयर इज़ ऑलसो लाइक अ डेली वेयर थिंग तो आप इसको डेली में पहन सकते हो नेक्स्ट मैं आपको जो दिखाऊंगी उससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर प्लीज कर दो नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टल में आपको मिल जाएगा ओ माई गॉड ये लिटरली बहुत ज़्यादा सुंदर पीस है और ये बहुत ज़्यादा लग्जरी है एंड इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही लग्जरी है आप इसको स्टाइल कर सकते हो विद साड़ीज वेस्टर्न आउटफिट्स काफ़ी अच्छा लगेगा ये पहनने के बाद एंड इसका जो प्राइस है वो भी बहुत अफोर्डेबल है इसमें आपको रिंग्स भी मिल जाएंगी क्रिस्टल में मेरे पास इसमें सेम पीस में फ्लावर में रिंग्स भी मिल जाएंगी तो इस ये पीस भी एक शो स्टॉपर है एंड आपको एक और मिल जाएगा बटरफ्लाई में इसमें जो क्रिस्टल्स है ना इसमें क्रिस्टल्स भी है एंड डाइम का वर्क भी है तो ये भी काफ़ी सुंदर है और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा हैवी पीस नहीं है लाइट वेट है अगर आप लाइट वेट कैरी करते हो तो आप इसको स्टाइल कर सकते हो विद योर आउटफिट्स एंड इट लुक्स अमेजिंग डेफिनेटली ये बहुत बहुत गॉर्जियस लगेगा पहनने के बाद होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा नेक्स्ट पीस आपको दिखाऊंगी वो भी बहुत प्यारा सा पीस है ये भी टू इन वन में आएगा अगेन टू इन वन में बहुत अच्छा होता है बिकॉज आप इसको मल्टी मतलब आप इसको डिफरेंट आउटफिट के संग स्टाइल कर सकते हो ठीक है तो ये सिंपल हार्ट uh, में डिज़ाइन है एंड इसमें राइम स्टोन का वर्क है प्रॉपर तो ये जो स्टर्न है ना वो अपने आप में ही बहुत स्टाइलिश है एंड पीछे से उसका जो uh, आपको चेन दिया है उसमें पर्ल है आप इसको स्टाइल कर सकते हो सिंपल uh, भी और साथ में भी काफ़ी अच्छा लगता है पहनने के बाद इसका जो दोनों का टुगेदर इसको पहनते हो ना आप साथ में तो बहुत अच्छा स्टाइल आता है नेक्स्ट आपको ये मिल जाएगा एम्ब्रॉल ग्रीन में बाली पैटर्न में मिल जाएगा ये भी काफ़ी प्रटी है और काफ़ी सिंपल पीस है ठीक है अब नेक्स्ट आपको ये डेलीगेट से स्टर्ट्स मिल जाएंगे पर्ल वाले ये काफ़ी डिमांड में रहते हैं ट्राइंगल शेप में होते हैं इसमें कलर्स आपको मिल जाएंगे मेरे पास एंड ये काफ़ी सिंपल लगते हैं पहनकर नेक्स्ट पीस नेक्स्ट पीस जो है ये बाली पैटर्न में है अगेन बटरफ्लाई में है और रोज़ गोल्ड में है काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा है ये सिंपल आउटफिट्स के लिए वेस्टर्न आउटफिट पर उसको स्टाइल कर सकते हो ठीक है अब जो नेक्स्ट पैटर्न है आई एम डैम श्योर कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा बिकॉज मेरे को ये इयर बहुत ज़्यादा पसंद है लॉन्ग में है चेन में और इसमें गूची का रेपली का डिज़ाइन है एंड बहुत बहुत क्लासी लगता है पहन कर ये ठीक है तो मैं आपको एक और पैटर्न दिखाती हूँ ये है हमारा हुप्स में आई नो डेली वेयर है ये डेली वेयर के लिए आपको ईयर रिंग्स चाहिए होते हैं एंड ये एंडी डार्निश में है तो ये काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी सी क्वालिटी भी अच्छी है नेक्स्ट ये एक यूनिक सी डिज़ाइन हमारे पास अभी आई है क्रिस्टल में एंड ये काफ़ी यूनिक पीस से अभी आया है मार्केट में ठीक है आपको एक और डिज़ाइन मिल जाएगा स्टर्ड में वाइट पर मिल जाएगा इस ये वाला पीस बहुत डेलीकेट है और बहुत लेटेस्ट डिज़ाइन में है एक और पीस मैं आपको कहती हूँ ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इसका जो शाइन है वो बहुत ज़्यादा प्रटी है मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया पर्सनली कोई भी आप पार्टी में जा रहे हैं पार्टी वेयर ईयर रिंग है आपकी सिंपल आपने आउटफिट पहन रखा है आप इसको पहनोगे तो बहुत शो स्टॉपर लगेगा ये इयर बहुत अच्छा पीस है नेक्स्ट अब मैं जो आपको दिखाऊंगी वो है एक हार्ट शेप में और इसमें जो नीचे जो चेन्स दी है ना वो राइम स्टोन में है तो ये काफ़ी मतलब काफ़ी प्रिटी है सिंपल है और स्मॉल साइज़ में है तो जो स्मॉल साइज़ की ईयरिंग्स पहनते हैं वो उसको परचेस कर सकते हैं एक और पीस मैं आपको दिखाऊंगी ये भी आपका आ, साड़ी वगैरह के संग काफ़ी अच्छा लगेगा एथनिक के संग जाएगा ये और ये पीस काफ़ी सुंदर है मतलब इसका जो पर्ल का डिटेलिंग हुआ है ना साइड में वो काफ़ी प्रटी है एक और छोटा सा हर्ट में स्टर्ट मिल जाएगा आपको अभी लेटेस्ट डिज़ाइन ये स्टॉक में आया है ठीक है आई होप आपको कलेक्शन पसंद आ रहा होगा एंड एक और आपको ये ना चेन पैटर्न में मिल जाएगा ये बाली पैटर्न है लेकिन इसके जो चेन्स है ना वो टैसल ड्रॉप में है लॉन्ग चेन में मिल जाएगा ये आप आ, आराम से आपको कुछ स्टाइलिश पहनना है ना ईयर सिंपल आउटफिट पहन रखा है कुछ स्टाइलिश से ईयर पहनने हैं तो इसको एड ऑन कर सकते हो डेफ़िनेटली ये अमेजिंग लगेगा आई एम डैम श्योर अबाउट इट ठीक है अभी मैं आपको जो अभी एक और पीस दिखाऊंगी इसके बाद वो भी काफ़ी प्रिटी है ठीक है वो मल्टी कलर में है तो मल्टी कलर में नहीं ये वाला सॉरी 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 ये वाला हमारा ए डी स्टोन में है ये सिंपल हर्ट में है एडी स्टोन में है और ये ड्रॉप में आएगा ठीक है अभी जो आएगा वो मल्टी कलर में आएगा लॉन्ग में है टेसल ड्रॉप ईयरिंग है मल्टी कलर में है तो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट के कैसे स्टाइल कर सकते हो ये पीस बहुत डिमांडिंग है मैंने बहुत इसके पीसेस सोल्ड किए हैं इसीलिए आपको इस वीडियो में भी दिखा रही हूँ ये पीसेस ये ऐसे पीसेस मस्ट होते हैं मस्ट इन योर वॉड ड्रॉप कलेक्शन ठीक है एक और पीस दिखाऊंगी वो सिंपल सिल्वर में है सिल्वर की बहुत डिमांड आती है और इसके जो टैसल ड्रॉप है ना ये राइम स्टोन में है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है एक और पीस आपको मिल जाएगा लॉन्ग में सिल्वर में ये भी अभी लेटेस्ट पीस आया है ये भी आपको लॉन्ग में ये बहुत अफोर्डेबल है इस इट इज़ ओनली फॉर टू टू नाइन्टी नाइन इट इज़ ओनली फॉर टू नाइन उसकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं कितना शाइन है इसके अंदर मैं आई एम डैम श्योर कि आप लोग क्वालिटी के लिए तो पक्का कभी भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी तो ये बहुत ही प्रटी है अब okay. मैं जो आपको पैटर्न दिखाऊंगी वो बाली पैटर्न में ई विलाई डिजाइन है टू ईविलाई डिजाइन है एक आपको ये साइड में डिटेलिंग हो रखी है इसमें स्टोन्स की ये भी काफी अच्छा पीस है अब मैं जब आपको पीस दिखाऊंगी वो टू इन वन में है आई नो यू ऑल लव बाइंग टू वन टाइप ऑफ ईयर इसमें आपको ये लॉन्ग चेन्स मिल जाएंगी पीछे एंड आगे आपको ये स्टर्ड है लेकिन ये लॉन्ग में है इसमें पर्ल भी है नीचे तो ये काफ़ी प्यारा पीस है तो आई नो आपको ये पीस बहुत पसंद है बिकॉज मैंने ये इंस्टाग्राम पर बहुत बार पोस्ट किया है एंड सब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है तो आप इसको परचेज कर सकते हो आई हैव फाइव टू सिक्स पीसेज अवेलेबल ठीक है तो अब मैं जो आपको नेक्स्ट पीस दिखाऊंगी आप इसका चेन देख लो कितना शाइनी है और इसका एंटी टार्निश ही रहेगा ये ठीक है अब ये नेक्स्ट है ये एम्ब्र ग्रीन में है स्टोन में और इसमें जो चार्म भी हैं स्टार के तो ये भी काफ़ी सिंपल और काफ़ी लेटेस्ट डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल हुआ है एक आपको ये डिज़ाइन मिल जाएगा चेन में है सिंपल सा ब्लैक कलर में ब्लैक कलर में काफ़ी कम ईयर अवेलेबल होते हैं अगेन आपको एक मिल जाएगा पर्ल में ब्लैक में और इसमें रैम का वर्क है ये भी काफ़ी प्यारा पीस है ये पीस कोरियन डिज़ाइन के अंदर आता है नेक्स्ट अब हम जो देखेंगे वो लॉन्ग में है टैसल ड्रॉप में राइम का इसका वर्क है एंड ये भी काफ़ी प्रटी है इसमें कलर्स आपको मिल जाएंगे मेरे पास एक पीस ये मिलेगा आपको टू इन वन में मतलब इसका जो आप आगे से देखोगे तो लगता है आपने टू ईयरिंग्स पहन रखे हैं बट वो है वन ही एंड आपको एक ये मिल जाएगा बिग पर्ल्स में बिग पर्ल्स हार्ट में ईयरिंग ये काफ़ी प्रटी लगता है ब्लैक अगर ब्लैक ड्रेस पहनोगे प्लेन और उसके ऊपर ये स्टाइल करते हो विद पर्ल वाल विद पर्ल बेल्ट या फिर समथिंग लाइक दैट तो बहुत अच्छा लगेगा एक आपको ये मिल जाएगा आ, ये भी मतलब आगे से भी इसका आ, पीस है और पीछे से भी आप इसको पहन सकते हो इसका जो लुक होता है वो काफ़ी अच्छा आता है और इसमें राइम स्टोन का वर्क है क्रिस्टल का वर्क है सॉरी इसमें आप देख लो कितना प्रेटी लग रहा है ये एंड इसको स्टाइल करते हैं तो ये बहुत क्लासी लगता है मतलब थोड़ा तो यूनिक स्टाइल में है अभी ही स्टॉक में आया है एंड शाइन uh, इसका बहुत प्यारा है और काफ़ी अच्छा है इसका क्वालिटी uh, नेक्स्ट अब मैं जो आपको दिखाऊंगी वो सिंपल में है बाली पैटर्न में एंड नेक्स्ट uh, हमारे पास ये है uh, एक हुप्स में गोल्डन हुप्स में है डेली वियर थिंग है अगेन ये भी आपको डेली वियर थिंग है आपको ऑफिस वियर के लिए परफेक्ट है ये ज्वेलरी आप कहीं जाते हो तो मतलब नॉर्मल डेली वियर के लिए एक डिज़ाइन आपको ये मिल जाएगा इसमें एंड कलेक्शन uh, आपको पसंद आ रहा होगा एक डिज़ाइन आपको हुप्स में ये मिल जाएगा गोल्डन में ये तो मस्ट है बहुत अच्छा पीस है एक आपको ये छोटे हर्ट में मिल जाएगा पर्ल ड्रॉप ईयरिंग में ये भी बहुत प्रिटी से लगता है पहनने के बाद एंड काफ़ी सिंपल है और काफ़ी लाइट वेट है ठीक है अभी मैं आपको जो नेक्स्ट पीस दिखा रही हूँ वो अगेन पर्ल में आएगा ये पीस बहुत ज़्यादा फेमस है आई नो ये बहुत कॉमन है बट काफ़ी अच्छा लगता है एक आपको ये मिल जाएगा स्लीक में एक डिज़ाइन एक आपको ये मिल जाएगा चेन में क्लोवर में इसमें बहुत आ, सिंपल है और बहुत लाइट वेट है अब मैं आपको लास्ट पीस दिखा रही हूँ ये भी हुप्स में आएगा सिंपल सा डिज़ाइन है इसके अंदर इसके अंदर जो क्रिस्टल्स हैं ना वो बहुत प्यारे लगते हैं और काफ़ी सिंपल और यूनिक है आई होप यू ऑल हैव एन्जॉयड दिस वीडियो बिकॉज कलेक्शन वाकई में बहुत अच्छा था तो, तो आपको कुछ भी परचेज करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डी कर सकते हैं फिर मेरे ये व्हाट्सअप का नंबर है आप मुझे यहाँ पिन कर सकते हैं जो भी कलेक्शन अवेलेबल होगा मैं आपको डीएम पे बता दूंगी बिकॉज ऐसा होता है कि कुछ कलेक्शन आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है बट जो भी कलेक्शन अवेलेबल होगा मैं आपको डी कर दूंगी एंड ऐसे ही अपना प्यार देते रहो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ बाई ट